दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चिनाब भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, सिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आज कश्मीर फाइल्स के माध्यम से हम देखेंगे कि एक मानव दूसरे मानव को किस तरह से किसी भी हद तक उसको मिटाने के लिए, मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। तो आज हम उसको पूरा डिकोड करेंगे। हम ये आज थोड़ा सा अलग विश्लेषण करेंगे, जो YouTube पे अक्सरहा ये जो लोग कर रहे हैं उस तरह से नहीं, हम एक अलग ही किस्म से उसका विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे और आपको जान करके शायद खुशी ना हो, हम जो विश्लेषण करने वाले हैं उससे आपको दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप सच को जानना चाहते हैं और एक अलग किस्म से सोचना चाहते हैं जो एकदम सच्चाई है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा कि हर व्यक्ति, हर समुदाय, कोई भी राष्ट्र हो, उसके अपने अपने किस्से होते हैं। हर आदमी का अपना अपना एक किस्सा होता है, अपना अपना एक दुखड़ा होता है, अपना अपना एक मिथक होता है। उसी तरह से हर समुदाय के अपने अपने मिथक होते हैं, अपने अपने किस्से होते हैं। उसी तरह से हर राष्ट्र के अपने अपने किस्से होते हैं, अपने अपने मिथक होते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ होती है। रिलीजन भी एक किस्सा है, रिलीजन भी एक स्टोरी है। उसका उपज जो है, रिलीजन पैदा कहाँ होता है, वो कहीं और पैदा नहीं होता है, वो यहाँ पैदा होता है, इस मस्तिष्क, इस खोपड़ी के अंदर में जो ब्रेन है वही पैदा होता है। अब ये परिस्थिति के आधार पे होता है, ये परिस्थिति जैसे बदलती है तो आस्था भी बदल जाती है, विश्वास भी बदल जाते हैं और किस्से भी बदलते हैं और मिथक भी बदल जाते हैं समय और परिस्थिति के आधार पे। विश्व का कोई भी धर्म अभी जो वर्तमान में है वो हमेशा से नहीं रहा है। पहले, इसके पहले अलग अलग धर्म थे जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं है। हम तो बहुत पहले की तो छोड़ दीजिए, अभी हाल फिलहाल में एक सिंधु घाटी की सभ्यता घटित हुई जो लगभग 2500 ईसा पूर्व की बात है। वहाँ कौन से धर्म चल रहा था, किस तरह के रिलीजन वहाँ फॉलो किए जा रहे थे, आज तक किसी को जानकारी नहीं है। तो आज से 10,000 साल पहले मानव कौन से धर्म को मान रहा था, ये तो और भी जानना मुश्किल है। कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति जो है वह अफ्रीका के जंगलों में हुई और अफ्रीका के जंगल से वह निकल करके बाकी दुनिया के क्षेत्रों में पहुँचे। पहले अफ्रीका में पैदा होते हैं और आज से 1,00,000 साल पहले वो लगभग एशिया के आसपास जो इराक वाला एरिया है वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद भारत में 70,000 साल पहले उनका पैर पड़ता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं। और कहा जाता है कि 25,000 साल पहले वह यूरोपियन यानी रसिया वाला क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और 40,000 साल पहले यूरोप वाला क्षेत्र में पहुंचते हैं, जर्मनी वगैरह, और आज से 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाते हैं। और इसी तरह से कहा जाता है कि वो आज से 15,000 से 12,000 साल पहले वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पहुँचते हैं। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मानव जहाँ पैदा हुआ वहाँ से वह माइग्रेट कर गया, वहाँ से वह चल पड़ा। शायद उनको भोजन की तलाश थी या नए स्थलों को खोजने की तलाश रही होगी, कुछ भी रहा हो वहाँ से तो वो चल ही गए। और जहाँ जहाँ मानव के कदम पड़ते हैं भाई साहब, वहाँ बहुत ज़्यादा विनाश पैदा होता है। अब आप कहेंगे कैसे विनाश पैदा हो गया, तो पहले सभी जगह पे जो क्षेत्र में जहाँ जहाँ मानव गए वहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा थी। जैव विविधता मतलब बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु निवास करते थे, अलग अलग प्रकार के प्रजाति रहा करते थे, चाहे वो पेड़ पौधे के प्रजाति हो चाहे जीव जंतुओं के प्रजाति थे। बड़े बड़े मार्सुपियन लायंस वगैरह ये सब हुआ करते थे और ऑस्ट्रेलिया में भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव जंतु रहा करते थे, अमेरिका में भी रहा करते थे। और कहा जाता है कि मानव का कदम पड़ते ही कुछ ही सालों के बाद उनका 90% प्रजाति खत्म हो गई, मतलब मानव ने उसका सामूहिक विनाश कर दिया। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि हम लोग एक प्रकार का इकोलॉजिकल टेररिस्ट है। आज जिस तरह से हम इन्वायरमेंट को ख़त्म कर रहे हैं और धीरे धीरे जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति पैदा हो रही है और क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं, इससे हमारे अस्तित्व पे खुद ही खतरा मंडरा रहा है। कहा जाता है कि जेम्स कुक जब ब्रिटेन से चल करके, जब इस रास्ते से हो करके जो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा, तो वहाँ पे
सिर्फ जनजाति लोग रहा करते थे, वो जनजाति जो बहुत पहले यहाँ पहुँचे हुए थे। और जेम्स कुक के पहुँचने के कुछ ही दिनों के बाद जब ब्रिटिश लोग यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ की प्रजातियों को ख़त्म कर डालते हैं। कहा जाता है कि नरसंहार हुआ। यहाँ जो ओरिजिनल प्रजाति थे जिनको एबोरिजिनल कहते थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको उन्होंने पूरी तरह ख़त्म कर डाला, उनको विलुप्त कर डाला। और उस समय जितने जीव जंतु थे उसमें भी 90% से ज़्यादा प्रजाति को ह्रास हो गया। यानी कि मानव एक प्रकार का इकोलॉजिकल टेररिस्ट रहा है, वो हमेशा चीज़ों को नष्ट करते रहा है। आज जो हम अभूतपूर्व समृद्धि आप देखते हैं पूरे दुनिया में, जो आदमी है, जो मानव है, जो इतना विकास कर गया, बिना विनाश के संभव ही नहीं था, बड़े पैमाने पे विनाश किया गया है। तो हम लोग आजकल इकोलॉजिकल टेररिस्ट हो गए हैं, इकोलॉजिकल टेररिस्ट हैं। तो आप समझ गए होंगे इतना बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में रहा करते थे, ये भी होमो सेपियंस है, वो भी मानव के प्रजाति है, जैसे हम है, जैसे आप है। दुनिया में जितने भी मानव है सबको होमो सेपियंस ही कहा जाता है। और ये होमो सेपियंस लोग जो है, जो मानव है, वो आपस में अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ते रहे हैं और एक दूसरे को जान से मार देने तक की कोशिश करते रहे हैं और मार भी देते रहे हैं। कभी धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर मारते रहे हैं, कभी किसी और कारण से मारते रहे हैं, लेकिन मारते रहे हैं और बड़े पैमाने पर मारते रहे हैं। कहा जाता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, यहाँ पे आर्यों ने उसको नष्ट कर दिया। हालांकि इसमें बहुत विवाद होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं ऐसा हुआ होगा। और उन्होंने यहाँ जो पहले से लोग रहते थे उसको उन्होंने गुलाम बना लिया, उनको उन्होंने निकृष्ट कहा, उनको उन्होंने शूद्र कहा, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए और उनका सामूहिक विनाश भी कर दिया, कई जगह से उनका नरसंहार कर डाला। ऐसे ही यहाँ जो कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, उस समय में भी बड़े पैमाने पे लोगों का ही नरसंहार कर दिया गया, लोगों के द्वारा ही, यानी मानव ही मानव का नरसंहार कर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ दुनिया में, बड़े पैमाने पे नरसंहार हुए। द्वितीय विश्व युद्ध हुए, बड़े पैमाने पे नरसंहार हुए। भारत के अंदर में भी नरसंहार होते रहा है, कभी बस्तर में नरसंहार होता रहा है, कभी गुजरात में दंगा होता रहा है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कभी धर्म के आधार पे, कभी जाति के आधार पे, कभी संस्कृति के नाम पे, कभी नस्ल के नाम पे मारते रहे हैं। यानी कि अगर ये लोग आपस में लड़ते नहीं तो हमारी आबादी आज शायद, और वो और भी ज़्यादा होती, शायद 10 अरब या 20 अरब से भी ज़्यादा। लेकिन हम लोग मारते रहे हैं, लोगों को मारते रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कश्मीर में, 1990 की बात है। ये कहा जाता है कि 1990 में घटना घटित हुई 21 जनवरी के दिन, जब बड़े पैमाने पर यहाँ से कुछ लोगों का पलायन शुरू हो गया। मतलब यहाँ जितने लोग रहते थे उसमें जो लोग एक धर्म विशेष के लोग थे, जैसे इस्लाम को छोड़ करके जितने भी धर्म के लोग थे, जैसे हिंदू लोग रहते थे, हिंदू में भी अलग अलग जाति बटा हुआ है, आप जानते हैं 3000 से भी ज़्यादा जाति है, उसमें एक पंडित जाति यहाँ रहा करते थे जिसको बोलते हैं कश्मीरी पंडित, उनके साथ बड़ी अत्याचार हुआ और उनको यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनके साथ इतनी ज़्यादती हुई कि उनको मार करके कभी लटका दिया जा रहा था, कभी इनके बहू बेटियों के साथ ज़्यादती किया जा रहा था, बहुत सारे बच्चियों को मार दिया गया, रेप कर दिया गया और इनको भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक तरह से नरसंहार हो गया। और ये नरसंहार सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हुआ, बल्कि हिंदू आबादी जितने भी थे नॉन पंडित लोग, उनके साथ भी हुआ, सिखों के साथ हुआ, यहाँ जितने लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे उनके साथ भी अत्याचार हुआ। और कहा जाता है कि कुछ मुसलमान लोगों ने ही मुसलमान पर भी अत्याचार किया। मतलब यहाँ की स्थिति बड़ा विचित्र है। उनको मार करके भगाया गया, उसके पीछे का कारण था कि पाकिस्तान जो था वो चाहता था कि इस कश्मीर को अपने क्षेत्र में हम मिला लें। वह स्पॉन्सर करता था, यहाँ के आतंकवादियों को पैसा मुहैया करा रहा था, उनको असलाह दे रहा था, गन दे रहा था, प्रशिक्षण दे रहा था, और वो लोग इस तरह के कांड को कर रहे थे। और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको लगता था कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, आज़ाद मतलब पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, हम आज़ाद होंगे, हमको एक स्वतंत्र देश बनाना है, इसके लिए भी लड़ रहे थे। कहा जाता है कि वहाँ एक व्यक्ति था, उसका नाम था बिट्टा कराटा, वो बहुत खूंखार आतंकवादी है, वो एक तरह से वो हरामखोर बहुत सारे लोगों को मारा, वो 20 25 30 से भी ज़्यादा लोगों को उसने हत्या की, और उसको ठीक से पता तक नहीं है कि उसने कितने को मारा। कहा गया कि जब एक बार उससे पूछा गया कि क्या तुम अपनी माँ को भी मार देते पाकिस्तान के आदेश पे, तो उसने कहा हाँ हम मार देते। मतलब इतना माइंड वास्ट आदमी है, इतना माइंड वास्ट कर दिया गया धर्म के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कि वह किसी को भी मार सकता है।
कुछ लोग तो अपने आप को भी मार देते हैं, अपने आप को भी सुसाइड कर डालते हैं, सुसाइडल अटैक। उनको लगता है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगा, उनके माइंड में ये भर दिया जाता है कि देखो ये कल्पना नहीं है, ये एक साक्षात चीज़ है, तुम जो है अगर मरोगे रिलीजन के नाम पे तो तुम जन्नत में जाओगे, वहाँ तुमको हूरे मिलेंगी, हूरे मतलब महिला लड़कियाँ मिलेंगी, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मिलेगी, वहाँ दारू मिलेगी खूब छक के पीना, और यहाँ पर जो है तुमको नाम भी हो जाएगा, तुम किसी विशेष उद्देश्य से आए हुए हो, अपने जीवन को साकार कर लो और जाओ और मर जाओ। और ऐसे आधा दिमाग के लोग, उसको बेवकूफ़ कहिए, उसको गधा कहिए, वैसे लोग इसके बातों में आ जाते हैं और इस तरह के कांड को वो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म में ऐसी क्या चीज़ है जो ये करवा रहा है, हमें उस पर भी विचार करना पड़ेगा। हमें आजकल ये विचार करना पड़ेगा कि हमको धार्मिक रहना है कि नहीं रहना है। हम तो कुछ प्रश्न पूछते हैं सारे धर्मों से, ये जो आपस में लड़ते रहते हैं उनसे हमको कुछ प्रश्न हैं। ये पूरे दुनिया में कहा जाता है कि धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा लोगों को मारा गया, काटा गया। ईसाई सबसे पहले आतंकवादी पैदा करते हैं, ईसाई जो है अपने धर्म प्रचार के लिए बहुत आक्रामक रुख अपनाते हैं और वह दुनिया में चाहते हैं कि ज़बरदस्ती लोगों को ईसाइयत में लाया जाए, उसको ईसाई बनाया जाए। इसके कारण बड़े युद्ध हुए, बड़े पैमाने पर युद्ध हुए। बाद में इस्लाम वाले लोग भी अपने धर्म को प्रचार करने के लिए काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया, हिंदुओं ने इस तरह से नहीं अपनाया। जो जो बहुदेववादी लोग हैं, जो बहुत सारे देवताओं में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग कम कट्टर थे। ज़्यादा कट्टर वो लोग हैं, ज़्यादा हिंसा फैलाने के लिए उनको दोषी ठहराया जा सकता है जो एक ईश्वर में विश्वास करने के कदम वो भरते थे। वो कहते थे कि दुनिया में एक ही ईश्वर है। और बहुदेववाद वाले लोग जो है वो समझते हैं कि नहीं, वो एक ईश्वर नहीं है, कई सारे ईश्वर है और किसी एक के पास सुप्रीम सत्ता नहीं है, इसलिए वो सबको स्वीकार कर लेते हैं। तुम भी ठीक हो, वो भी ठीक है, हम भी ठीक हैं। लेकिन वो लोग जो स्वीकार ही नहीं करते और सहिष्णु बन जाते हैं, वो खतरा पैदा कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म है जो पूरे दुनिया से कट्टरता को मिटा दे, धार्मिक कट्टरता को ख़त्म कर दे, जो जातिवाद को ख़त्म कर दे, जो नस्लवाद को ख़त्म करने की क्षमता रखता हो? ऐसा कौन सा धर्म है जो सामंतवाद को ख़त्म कर दे, जो अंधविश्वास को ख़त्म कर दे? कौन सा धर्म है जो एकदम से पूरी तरह से साइंटिफिक है? कौन सा धर्म है जो जैविक युद्ध को ख़त्म कर दे? कौन सा धर्म है जो आतंकवाद को ख़त्म कर दे? हमको तो लगता है कि ज़्यादातर आतंकवाद जो है वो धर्म के नाम पे ही पैदा हुए हैं। और कौन से ऐसे धर्म है जो परमाणु युद्ध को ख़त्म कर दे? कौन सा ऐसा धर्म है जो गरीबी को, निर्धनता को ख़त्म कर दे? कौन सा धर्म है जो बेरोजगारी को ख़त्म कर दे, दुनिया को खूबसूरत बना दे, सबको गरिमा के साथ जीने का एक अधिकार दे दे, उनको इतना सक्षम बना दे, दुनिया में आने वाली आपदाओं को ख़त्म कर दे? ऐसा है क्या कोई? जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको ख़त्म कर दे, प्रदूषण को समाप्त कर दे? कोई भी धर्म में इतनी क्षमता नहीं है, आज के वर्तमान किसी भी धर्म में इतनी क्षमता नहीं है इसके लिए। और मैं तो कहता हूँ कि आपको, अगर आप धर्म को नहीं भी मानते हैं, किसी भी धर्म को, किसी भी ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, तब भी आप नैतिक रह सकते हैं, क्योंकि यह प्रूफ हो गया है कि दुनिया में जो व्यक्ति जो किसी धर्म को मानता ही नहीं है, जो नास्तिक है या किसी ईश्वर को ही नहीं मानता है, वह भी नैतिक होता है। नैतिकता तो हमारे कोर, हमारे हृदय के अंदर में बसा हुआ है, हमारा वो एक तरह से मानवता का एक, उसको समझिए कि वो बिल्डअप है हमारे मस्तिष्क के अंदर में ही। हम स्वाभाविक रूप से ही नैतिक होते हैं, हमको तो अनैतिक बना दिया जाता है धीरे धीरे, प्रशिक्षण दे दे करके धीरे धीरे माइंड वॉश कर दिया जाता है लोगों को। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे भड़का दिए, कभी संप्रदाय के नाम पे भड़का दिए। दुनिया में तो इस तरह से चीज़ें होती रही है कि लोग मार्क्सवादी पूंजीवाद के साथ भी लड़ते रहे हैं, पूंजीवादी मार्क्सवादी के साथ लड़ते रहे हैं, उदारवादियों के बीच में लगातार झगड़ा होता रहा है, कोई नाजीवाद का झंडा फहरा रहा था। आपको पता है कि जर्मनी में हिटलर जो था, वहाँ यहूदियों को उसने कत्लेआम कर दिया, उन्होंने बड़े बड़े कैंप बना रखे थे। वो कहा जाता है कि उसमें उसने यहूदियों को सताता था, यहूदियों को मारता था, गैस चेंबर में बंद कर देता था, और उसने बड़ी सामूहिक विनाश कर दिया। मानवता के खिलाफ ही एक प्रकार का युद्ध था वो, लेकिन लोग उससे घृणा करते हैं आज, उसको कोई नहीं मानता है। उस समय जर्मनी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट था हिटलर को, इसीलिए वो कर पा रहा था ये सब। और बाद में जब खुद ही आत्महत्या करके मर जाता है, तो 20% नाजी जो समर्थक थे वो आत्महत्या करके मर जाते हैं ग्लानी के कारण, लेकिन 80% नहीं मरते हैं, उनका जिंदगी तो चल ही रहा है। वो बाद में अपने अपने कहीं प्रोफेसर बने हुए हैं, कहीं वकील बने हुए हैं, उनका चलता रहा। तो आदमी जो है
अब देखिए, अब हम लोग हर रोज लाखों जीव जंतुओं को मार डालते हैं, उनको दुख देते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, पशु पक्षियों को तकलीफ देते हैं, उस पर भी तो विचार होना चाहिए। हमें इस सब के बारे में सोचना पड़ेगा, हम आखिर चाहते क्या है, हम जाना कहाँ चाहते हैं। तो कहते हैं कि धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, कहा जाता है कि आज से 70,000 साल पहले मनुष्य के ब्रेन के अंदर में थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ। कहा जाता है कि जब तक म्यूटेशन नहीं होगा, मानव कल्पना करने में सक्षम ही नहीं था, वो कल्पना नहीं कर सकता था, वो एज्यूम्स नहीं कर सकता, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता था जिसको कभी न देखा हो, न सुना हो, न चखा हो। तो वैसे चीज़ों के बारे में कल्पना करने की जो क्षमता है मानव में 70,000 साल पहले आ गई, और तभी कहा जाता है कि मानव ने धर्म का निर्माण कर लिया होगा, तभी उसने ईश्वर की कल्पना की होगी, तभी उसने बाकी चीज़ों की कल्पना की होगी। यानी कल्पना जब तक नहीं होगा तब तक न धर्म बनेगा न ईश्वर बन सकता है। तो धर्म बनाया गया, लेकिन धर्म बनाया ही क्यों गया? धर्म इसलिए बनाया गया क्योंकि लोगों को आपस में सहयोग करने के लिए यह एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता था। धर्म नहीं रहेंगे, रिलीजन नहीं रहेंगे, तो लोग आपस में सहयोग कैसे करेंगे एक दूसरे से? ये देखते हैं कि कभी कभी धर्म के नाम पे लोग एकजुट हो जाते हैं, धर्मसेना, तमाम तरह की एक दूसरे के बीच में विभिन्नता होते हुए भी धर्म के नाम पे लोग एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि धर्म जो होता है वह एकजुटता पैदा करता है, वह एक प्रकार से कम्युनिकेशन करने के लिए और सहयोग करने का एक माध्यम मुहैया कराता है। इसीलिए धर्म की जरूरत थी। अगर मनुष्य परस्पर सहयोग नहीं करता तो आज हम पूरे दुनिया में विश्व विजेता नहीं होते। आज हम चूहों की भांति एक दूसरा जीव होते और कोई और जीव हमारे ऊपर शासन कर रहा होता, लेकिन दूसरा जीव ऐसा नहीं कर सका क्योंकि मानव के अंदर में ही कल्पना शक्ति पैदा हुई थी। दुनिया का कोई भी जानवर कल्पना पैदा नहीं करता है, आप उसको ईसाई नहीं बना सकते हैं, आप उसको नया नया किस्सा कह करके, नए नए कहानी कह करके उसका माइंड वॉश नहीं कर सकते हैं, आप उसको ईसाइयत में प्रशिक्षण नहीं दे सकते हैं, आप उसको मुसलमान नहीं बना सकते, आप उसको हिंदू नहीं बना सकते हैं, आप उसको साम्यवादी नहीं बना सकते हैं, आप उसको पूंजीवादी भी नहीं बना सकते हैं। क्या किसी बंदर को अगर आप ये कहिए कि भैया देखिए, अगर आप मुझे अपना केला खाने के लिए दे दे तो आपको जन्नत मिलेगा और वहाँ जाकर के आपको हूरे मिलेंगी, आपको बड़ा पुण्य का काम होगा, आप मुझे वो केला दे दीजिए, तो क्या वह बंदर आपको देगा केला? नहीं देगा, क्योंकि वह स्वर्ग और नर्क की कोई कल्पना नहीं जानता है, वह किसी भी ईश्वर को नहीं जानता है, वह किसी धर्म को नहीं जानता है, उसको किसी चीज़ में आस्था ही नहीं है, वो सिर्फ केला खाएगा क्योंकि उसको पता है कि केला खाने से उसका पेट भरेगा और वह जिंदा रहेगा। तो ये जो कल्पना है ना, वो मानव के अंदर में ही है और इसीलिए उसने इन सब चीज़ों की रचना कर डाली। और हम इसी काल्पनिक चीज़ों को लेकर के लगातार झगड़ा करते रहते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं, उसका मास्केयर करते रहते हैं, उसका जीनोसाइड कर देते हैं, कभी कभी इतनी कट्टरता से मारते हैं कि कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में ये जो आतंकवादी थे, ये जो मिलिटेंट थे, इन हरामखोरों ने एक महिला को आरी में चीर डाला, आरी में ले जा करके उसको जिंदा ही चीर डाला। इतनी क्रूरता, इतनी भयानकता, अब सोचिए कि ह्यूमिनिटी कहाँ गया उसकी, मतलब वो मानव के नाम पर ही कलंक है। अगर आप मानव हो तो मानव के लिए तो सोचना चाहिए, आखिरकार इतनी क्रूरता उसके अंदर में आया कहाँ से? तो धर्म की उत्पत्ति वैसे ही होती है जब लोगों ने कल्पना करना शुरू किया और कल्पना के आधार पर उसने ईश्वर भी गढ़ लिए, धर्म भी बना लिए। खैर, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में, जो अभी लगातार चल रहा है, इसके बारे में तो आप सुनते ही हैं, लगातार इस पे आ रहा है न्यूज़, आप जान चुके हैं कि क्या हुआ था उस समय। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जिस समस्या के लिए फिल्म बनाई गई है और जो समस्या अभी फेस कर रहे हैं लोग, खास करके कश्मीरी पंडित, उनकी समस्या को सोल्व किया जाना चाहिए, उनके लिए एक अलग क्षेत्र इंगित करके उसको वहाँ बसाया जाना चाहिए, चाहे बसाने के लिए कुछ भी करना पड़े, वो करना चाहिए सरकार को, उनको बसाना चाहिए, उनकी समस्या को सोल्व किया जाना चाहिए, और यही उनके लिए एक ट्रिब्यूनल अगर गठित कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो लोगों ने इन पर अत्याचार किया उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा है, कुछ लोग जेल में है, तिहाड़ जेल में है, वो जो बिट्टा कराटा है और JKLF का जो एक सरगना था वो भी अभी तिहाड़ जेल में बंद है। तो ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो तो जिंदा है अभी, तो ऐसे लोगों को तो मिल जाना चाहिए था। ट्रिब्यूनल गठित करके कम से कम वो जो दोषी है उसको दोषी करार दिया जाना चाहिए, उनको कटघरा में लाना चाहिए कि भैया दोषी हो तुम। और हमारा ये कहना है कि इस तरह की फिल्में और भी बननी चाहिए, जितने भी अत्याचार होते हैं आदिवासियों पे होते हैं या आपको और किसी पर, महिलाओं पे होते हैं, जाति के नाम पे हो जाते हैं, उन पे भी फिल्म बननी चाहिए।
और उसकी सच्चाई भी सामने लाना चाहिए। कभी कभी सरकारें अत्याचार करती है, कभी कभी क्या अक्सरहा सरकार ही अत्याचार करती है। वो अगर कश्मीर समस्या को सोल्व करना चाहती तो सरकारें कब की सोल्व कर चुकी होती, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इसको सोल्व नहीं करेगा, क्योंकि जब सोल्व कर देगा तो फिर राजनीति किस पे करेंगे, वो राजनीति की गोटियां किस पे सेकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वो इस मुद्दे को बना के रखते हैं और इसको कभी भी सोल्व नहीं करते हैं। सरकार अगर चाह ले तो कर भी सकती है। दुनिया में लोग मरते हैं कुपोषण से, लोग मरते हैं गरीबी से, लोग मरते हैं भूख से, लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया में कितना अन्न बर्बाद हो जाता है। दुनिया में इतने अन्न उपजते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता है अगर उसको मुहैया करा दिया जाए तो। अन्न की कमी नहीं है, बस ये होता है कि अन्न हमारे पास है, बस उसकी बर्बादी हो जाती है। और बर्बाद कौन करता है, सरकारें करती है। हम उस तक उस चीज़ को पहुंचा ही नहीं पाते हैं और समस्या बनी की बनी रहती है। तो हमें अब आजकल कहा जाता है कि जैविक गरीबी नहीं है, जो गरीबी है वो राजनीतिक गरीबी है। राजनीतिज्ञों को चाहिए कि वो उसको उसकी समस्या को सोल्व करें। और समस्या बड़े बड़े हैं, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, प्रदूषण एक बड़ी समस्या, प्रदूषण से तो लाखों लोग मरते हैं। आज भी हम रोड पर जा रहे थे तो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, मर गया। रोड ठीक नहीं है, गड्ढे पड़े हुए हैं। तो अब देख रहे हैं कि नशा कर करके लोग मर जा रहे हैं, आत्महत्या करके लोग मर रहे हैं, किसान मर गए। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान जो कर्ज लेकर खेती करते हैं और जब वह नहीं चुका पाते हैं, गरीबी और निर्धनता में चले जाते हैं, तो बेचारे आत्महत्या करके मर जाते हैं। कौन दोषी है इसके लिए? सरकार दोषी है क्या? धर्म दोषी है कि जाति दोषी है इसके लिए? सरकार ही तो दोषी है इसके लिए। कौन करेगा उसकी समस्या को सोल्व? बहुत सारे लोग जो परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, वो आत्महत्या करके मर जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। कौन दोषी है इसके लिए? शिक्षा व्यवस्था तो दोषी है। आखिरकार हम उनको उस तरह की शिक्षा भी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, रोजगार नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। उनकी समस्या को हम सिर्फ देख रहे हैं और हम एक अलग ही समस्या क्रिएट कर दे रहे हैं। धर्म के नाम पर आपको राजनीतिक पार्टी लड़ाएंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाएंगे, जाति के नाम पे लड़ाएंगे, लेकिन कभी भी आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जो आपसे वोट मांगने आते हैं। कभी भी उनसे क्वेश्चन पूछे हैं कि बताइए अगर आप जीत गए तो एक लोकतंत्र, सही जो लोकतंत्र होता है उसकी स्थापना कैसे करेंगे, हमारी गरीबी कैसे दूर करेंगे, आप रोजगार का सृजन कैसे करेंगे, आप बताइए कि दुनिया में इस तरह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका कैसे सोल्व करेंगे, उस समस्या कैसे सोल्व होगा, धार्मिक कट्टरता जो बढ़ गई है वो कैसे सोल्व होगा, जातिवाद की समस्या कैसे सोल्व होगा, अंधविश्वास कैसे दूर करेंगे। लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन उनसे नहीं पूछते हैं। उनसे पूछिए कि क्या प्लानिंग है इस बारे में, आपको नहीं पूछते हैं। आप तो बस ये देख लेते हैं कि हमारे जात का है, हमारे धर्म का है, बस वोट कर देते हैं, वो जीत करके जाता है, फिर उसी का वही काम करता है, क्योंकि आपने तो चुना ही उसी आधार पे है, उसको काम भी वही करेगा। तो पहले प्रश्न पूछना सीखिए, प्रश्न पूछना जरूरी होता है। अगर प्रश्न ही नहीं पूछेंगे तो फिर वो इस तरह से समस्या में आपको डालते रहेंगे। फिर कश्मीरी फाइल्स तो आएगा, फिर आप फिल्म देखेंगे, फिर रोएंगे, फिर रो करके कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। क्या करेंगे आप? अगर ऐसे ऐसे फिल्म बनने लगे तो आप रोते ही रह जाएंगे। अगर बस्तर के इलाकों में आदिवासी पे जो जुर्म किया गया उस पर अगर फिल्म बन जाए तो तब तो आप रोते ही रहेंगे और मन करेगा कि चुल्लू भर पानी में डूब के भी मर जाए। वो स्थिति है। बस अब हम इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहने वाले हैं। हम यहीं अपना वीडियो को रोकते हैं और आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।